फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल अमृत चौधरी में। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने MI के फ़ोन्स में सबसे पॉपुलर थीम्स और सबके सबसे बेस्ट थीम्स आपको कौन कौन से मिलेंगे MI के फ़ोन में। तो मेरे पास MI Redmi Note 4 है, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आप डिफ़ॉल्ट के अलावा सबसे पॉपुलर 5-7 थीम्स में आपको बताऊंगा जो कि आप जरूर यूज करें अपने MI के फ़ोन्स में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली थीम्स है एस गैलेक्सी। ये मुझे सबसे बेस्ट लगी है। अगर आपको अपने MI को फ़ोन्स को अगर S8 की तरह कस्टमाइज करना है तो आप ये थीम यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये मिल जाएगी MI के थीम स्टोर में। ये है 13.3 MB की है। आपको ऐसा लॉक स्क्रीन मिलेगा देखने के लिए जैसा कि आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यानी कि ड्रॉअर। अगर आप फ़ोन अनलॉक करते हो तो आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें आपको सभी जो आइकन्स है वो S8 के मिलते हैं। और आपको नोटिफिकेशन पैनल, जैसे कि आपको अगर MI के डिफ़ॉल्ट में बताऊँ तो वो आपको 4 मिलता है। आप देख सकते हो ये 4 मिल रहा है, बट इस थीम में आपको 5 मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा कस्टमाइज मिल जाएगा इस थीम में। और ये काफ़ी अच्छी स्मूथ थीम है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और सबसे अच्छी खास बात है कि आपको डेली वॉलपेपर चेंज मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। सो पहली रैंक थीम हो गई एस गैलेक्सी, ज़रूर आप इसे डाउनलोड करें। और मैं आपको दूसरी थीम बताऊं, तो ये दूसरी थीम ये है, ये कि दूसरी थीम है हाइब्रिड V8। ये एक स्टॉकिस थीम है। अगर आपने फ़ोन को आप स्टॉकिस बना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये रहा इसका नोटिफिकेशन पैनल, सॉरी लॉक स्क्रीन पैनल। ये रहा आपका होम पेज, जैसे आप अनलॉक करोगे तो इसमें आप देख सकती हो आइकन्स थोड़े थोड़े स्टॉकिस जैसे मिलते हैं। और इसके भी फंक्शन जो कि है थोड़े स्टॉकिस लगते हैं देखने में। तो अगर आपके अपने फ़ोन को स्टॉक में थोड़े से आप अपने प्योर एंड्रॉयड यूज़र हैं, अगर आपने MIUI को बनाना चाहते हैं स्टॉक में, तो आप हाइब्रिड V8 यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दूसरी थीम बताऊं, तो ये है डार्क iOS 10। ये एक iOS थीम है। अगर आपने फ़ोन को आप iPhone बनाना चाहते हो, यानी कि iPhone जिसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो अभी यूज़ कर सकते हो। इसके लॉक स्क्रीन आपको ऐसे दिखता है, ये रहा होम ट्रे, और आप ऐसे यूज़ कर सकते हो iOS की तरह। तो काफ़ी सारी iOS थीम है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। और मैं आपको चौथी थीम बताऊं, तो ये है नोकिया UI6। ये काफ़ी बेस्ट थीम है मुझे लगा। इसमें आपको ये नोटिफिकेशन सॉरी लॉक स्क्रीन पैनल, ये आपको नोकिया 6 की तरह प्योर। अगर आप ये डाउनलोड करोगे लग रहा होगा आपको नोकिया 6 चला रहे हो आप। ये रहा नोकिया 6 का होम ट्रे, यानी कि होम ट्रे ये हो गया, जो कि सारे आइकन्स नोकिया 6 से मिलते हैं। ये रहा, और ये रहा आपको ये मिशन टास्क, ये रहा आपको नोटिफिकेशन पैनल। ये तो ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। अगर अपने फ़ोन को आप नोकिया की तरह यूज़ करना चाहते हो तो ये नोकिया UI6 यूज कर सकते हो। और मैं आपको पचवें थीम की बताऊं, तो ये है OnePro 6। ये मुझे कुछ अच्छा थीम लगा, इसकी अच्छी कस्टमाइज दी गई है। ये भी थोड़ी स्टॉकिस फीलिंग आपको मिल जाएगा इस थीम से। तो अगर आप देखना चाहो तो ये भी थीम यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ थीम है MIUI की तरफ से। मैं आपको अगली थीम बताऊं, तो वो है प्योर एंड्रॉयड। अगर आप एंड्रॉयड एक यूज़र हो, अपने फ़ोन को नेक्सस की तरह यूज़ कर सकते हो, तो ये थीम आपके लिए बना है। ये रहा लॉक स्क्रीन पैनल, ये रहा आपका होम ट्रे, जो कि काफ़ी स्टॉकिस, हर एक चीज़ स्टॉकिस लग रही है। और आप देख सकते हो हर एक चीज़ स्टॉक जैसा ही लग रहा है। तो अगर आपने फ़ोन को स्टॉक यूज करना चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो बेफिक्र। सो यही रही थीम्स। तो अब मैं आपको का रैंकिंग बता दूँ, तो मुझे सबसे अच्छी लगी एस गैलेक्सी थीम फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड पे आता है नोकिया UI6, थर्ड पे आता है डार्क OS 10, फोर्थ पे आता है प्योर एंड्रॉयड, फाइव पे आता है हाइब्रिड V8, सिक्स पे आता है OnePro 6 VH। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो अगर आप मेरा बात मानो तो आप इस थीम को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने मैं फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज वीडियोज। बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव्स थम्स अप, इफ़ यू डिडंट वोट इट डाउन। सो बाय गाइज, सिंग ऑफ, बाय।